फ्रेंड्स, आपने पाव भाजी तो बहुत खाई होगी। एक बार ये शाही पाव भाजी बना कर देखिए। ये मेरी रेसिपी है, इसे मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है। सच में दोस्तों, टेस्ट एकदम लाजवाब है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून बटर और थोड़ा तेल डालेंगे। अब इसमें 50 ग्राम काजू डालकर हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने पर उसमें 2 कटी प्याज डालकर आधा मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और चलाएंगे। अब इसमें चॉप्ड गाजर और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसी के साथ 100 ग्राम हरी मटर डालेंगे। अब एक सीक्रेट, जो काजू हमने फ्राई किए थे उसी काजू का 1 चम्मच पेस्ट बनाकर डालेंगे। और अब हम कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा की 6 चम्मच रेड चटनी डालेंगे। अब नमक को टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। फ्रेंड्स, शाही पाव भाजी के सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर की हूँ। आपकी शाही पाव भाजी एकदम लाजवाब बनेगी। 10 लहसुन और 1 इंच अदरक का पानी डालेंगे। अब 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और 2 पिंच हींग डालेंगे। अब 3 कटे टमाटर डालकर मैशर से मैश करेंगे। नींबू का रस और पानी अपने हिसाब से डाल देंगे। इसके बाद 5 मैश किए हुए आलू डालेंगे। लहसुन और 1 इंच अदरक की चटनी का पानी डालेंगे। अब धनिया डालकर गार्निश करते हैं। पाव के बिना
भाजी का मजा ही किरकिरा है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस पर तवा रखेंगे, इसमें बटर डालेंगे, थोड़ी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, एक चम्मच भाजी और धनिया डालकर पाव को आगे पीछे सेकेंगे। और लास्ट में बचे हुए काजू से डेकोरेट करके सर्व करेंगे। दोस्तों, हमारा पाव और हमारी शाही पाव भाजी तैयार है। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर